नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव अंततः गिरफ्तार कर लिए गए और उन्हें मधेपुरा के लिए रवाना कर दिया है। बिहार पुलिस की जो टीम है, जो मधेपुरा पुलिस की टीम है, वो पटना आई थी। लाख प्रयत्न करने के बाद भी पप्पू यादव को अंततः 32 साल पुराने मामले में उन्हें जेल भेजा जा रहा है। जेल नहीं, फिलहाल उन्हें थाना भेजा जाएगा, उसके बाद फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या कुछ कहते हैं उसके बाद ही उन्हें जेल दिया जाएगा। तो ऐसे में अब जब पप्पू यादव निकले हैं पटना से, तो तस्वीर देखिए किस तरीके से जो समर्थक हैं, नहीं ले जाने देंगे, नहीं ले जाने देंगे कह कह कर उनकी गाड़ी पर कूद गए जो समर्थक खड़े थे रास्ते भर में। हम पहले आपको ये दिखा रहे हैं, पटना के बाईपास से जब उनका काफिला जो है वो गुजरने लगा, ये वहाँ की तस्वीरें हैं। आपको पता है पप्पू यादव को मधेपुरा ले जाया जा रहा है, और ऐसे में अब जो तस्वीर निकल के आई हैं ये हाईवे की तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हो। कैसे समर्थक किनारे में जो खड़े थे वह काफ़ी ही कह सकते निराशा में थे, हताशा में थे, और काफ़ी ही भावुक हो चुके थे। जनाधिकार पार्टी के जितने समर्थक हैं जो राज्य भर में हैं, उन सभी द्वारा कई जगहों पर रोकने की कोशिश की गई। मधेपुरा में भी जैसे खबर मिल रही है, वहाँ भी कई लोग अभी से ही जुटे हुए हैं कि एक बार उनसे मिलेंगे ज़रूर, लेकिन पुलिस की टीम है, खैर मिलने तो देगी नहीं। अब ये तस्वीरें आप देख रहे होंगे मुजफ्फरपुर की, जहाँ पर से जनाधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव को लेकर कई गाड़ियों के साथ पुलिस की जो टीम है वो निकली है। सदर थाना इलाके के खबरा में समर्थकों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन काफिला जो है वो रुका नहीं। काफिला अब सीधा मधेपुरा में ही जाकर रुकेगा, लेकिन पप्पू यादव का जो प्रेम है उनके समर्थकों के साथ वो कहीं ना कहीं दिख रहा था। आप तस्वीर देख भी रहे होंगे कैसे गाड़ियों का काफिला जो है वो गुजर रहा है, कहीं रुक नहीं रहा है। लेकिन एक जगह ऐसा भी आया जहां आप देख सकते होंगे कैसे उस व्यक्ति का प्रेम दिख रहा है। वो गाड़ी के ऊपर वो व्यक्ति कूद चुका है जो उनके पार्टी का समर्थक है, उनका फॉलोअर है, नेता है जो है, और कह रहा है कि नहीं ले जाने देंगे, हमारे नेता हैं। साफ साफ वो बातें आप सुन भी रहे होंगे। ऐसे में पुलिस बल द्वारा उस व्यक्ति को हटाया गया और उसके बाद फिर गाड़ियों के उस काफिले को निकाला गया। हालांकि आज दिन भर ट्विटर पर ट्रेंड करता रहा, #1 पर ट्रेंड करता रहा रिलीज पप्पू यादव। बीजेपी के भी जो नेता हैं कई, उन्होंने भी ये मांग की है। लेकिन अब बात है, क्या पप्पू यादव जो इन दिनों ऑक्सीजन सिलेंडर्स लोगों में बांट रहे थे, आर्थिक सहायता कर रहे थे ज़रूरतमंद लोगों की इस कोरोना की दूसरी लहर के दौरान, उनकी अब जब गिरफ्तारी हो चुकी है, वो गिरफ्तार कर लिए जा चुके हैं, तो ऐसे में अब कई लोग ये पूछ रहे हैं कि गरीबों को कौन देखेगा, कल से कौन फूड पैकेट्स भिजवाएगा। बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन खैर कानून तो अपना काम कर रहा है। और ऐसे में आप तस्वीरें देख भी रहे होंगे, तस्वीरें कई जगह के आपको दिखा रहे हैं, लेकिन एक तस्वीर जो निकल के आई वो काफ़ी कह सके जो उनके समर्थक हैं उनको भावुक करने वाली वो तस्वीरें थी जो आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।